गुम है किसी के प्यार में। यहाँ सभी जो है ना आज बहुत इमोशनल फील कर रही है। जाहिर सी बात है, क्या है कि उसने अडॉप्शन के लिए सारे लीगल पेपर्स फॉरवर्ड कर दिए थे, लेकिन आज उसको वहाँ से रिजेक्शन आ गया है। अब जाहिर सी बात है कि सभी को लग रहा है कि क्या उसे कभी ममता का वो जो एहसास होता है वो कभी फील करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर वाला पहले से ही नोट करके बैठा होता है, जैसे सभी की जिंदगी में सही का प्यार। एक बच्चे के लिए ही तो तरस रही है सभी की ममता। वो चाहती है कि वो सारा प्यार उस बच्चे पर नौछावर कर दे, मगर उसे ये सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी के ऊपर किडनैपिंग का आरोप लग गया था और इस वजह से अब उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। जी हाँ, एडॉप्शन सेंटर से उसे वो लेटर मिल गया है, मगर इस लेटर को देखने के बाद सभी टूट गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे। एक ही तो उम्मीद की किरण थी जो उसकी जिंदगी से चली गई है, जिसकी वजह से आज सभी काफी ज्यादा दुखी हो गई है। उसे लग रहा है कि उसे प्यार करने का हक ही नहीं है। बच्चों के नाम पूरी जिंदगी कर दी मैंने, अब मेरे शादीशुदा ना होने से भी इनको प्रॉब्लम। शादी होने ना होने से एक अच्छा पेरेंट बनने का क्या लेना देना। लोग माँ बाप ना बच्चों की वजह से बनते, शादी की वजह से नहीं बनते। शादी करने के बाद इंसान बदल जाता है क्या? हाँ, नहीं बदलता ना इंसान। आप सब जानते हैं कि सभी को बच्चा गोद लेना है, अडॉप्ट करना है, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। और अभी अडॉप्शन एजेंसी से मुझे लेटर आता है और मुझे पता चलता है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी मेरी एप्लीकेशन, क्योंकि अब इतने आर्टिकल्स आ गए और हर जगह बात फैल चुकी है कि मैंने किडनैप किया सई को, जबकि ऐसा नहीं था और मैंने सच्चाई भी सबके सामने लाई। बट फिर भी इस केस को यूज़ करके मेरे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे बुरा लगता है। मैं रोती हूँ, चीखती चिल्लाती हूँ कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गलत सभी के साथ ही होता है। वो हर बार रोती रहती है, तो यही चल रहा है अभी। अब एक तरफ सभी का दर्द तो है ही, वहीं दूसरी तरफ सई भी काफी कश्मकश में है, क्योंकि उसे ना बाप का प्यार मिल रहा है और ना ही माँ का। अब कोर्ट में पेशी है, जहाँ पर ये निर्णय लेना था कि आखिर बच्चा किसके पास रहेगा। आशिका और रजत के बीच सई काफी पिस रही है और इस बार भी कोई डिसीजन नहीं निकला है। अब रजत का पर्दा तो फाश हो गया है, जिसकी वजह से आशिका का पलड़ा भारी है और इस वजह से हो सकता है कि सई उसके पास रहे। रजत भी अपना दांव खेल रहा है, मगर कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अब सई परेशान है और अपनी परी आंटी को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तभी तो वो उसे हग कर लेती है। अब आप और हम ये दोनों ही जानते हैं कि सई को सभी की जरूरत है और सभी को सई की, तभी तो इन दोनों को अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। हाँ हाँ, डॉट्स बिल्कुल आप कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल सही कनेक्ट कर रही हैं आप। और मैं और बच्चा नहीं गोद ले सकती, क्योंकि फिर मेरी बच्ची तो सई बनेगी ना एंड में आगे जाके। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।